अच्छा ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर है सबके साथ? अच्छा सर। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं यस आज। ये कनेक्टेड कनेक्टेड टूल्स हैं, ये आज हम देखते हैं। एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये कनेक्टेड टूल्स हैं, ये किधर पड़े हुए हैं? जो हमने कल कवर किया है ये डायमेंशन टूल्स, उनके नीचे अगर आप देखें, ये आपके पास आइकन बना हुआ है। ठीक है, ये कनेक्टर्स हैं, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्ट्रेट लाइन कनेक्टर्स हैं, राइट एंगल कनेक्टर, राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर, और उसके बाद एंकर एडिटिंग है लास्ट के ऊपर। ठीक है, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो इनका इंट्रो करते हैं कि कनेक्टर होते क्या हैं। कनेक्टर है, जैसा कि इनके नाम पे लिखा हुआ है, कनेक्ट करते हैं ये दो शेप्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, और पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, जिस तरह कल हमने पढ़ा था थ्री पॉइंट कॉल आउट, ये उनसे मिलते जुलते हैं। कनेक्टर आप कनेक्ट कर सकते हैं इनके आगे अपना एरो हेड्स, इनकी टेल लगा के आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, शेप्स को बेसिकली ये कनेक्ट करने के लिए या ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो वन बाय वन देखते हैं इनको। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कनेक्टर है, इधर लिख भी लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कनेक्ट। ये स्ट्रेट लाइन कनेक्टर है, इसको देखते हैं कि क्यों यूज होना, किस लिए, क्या यूज है इसका। ठीक है, सपोज करें आपके पास ये बनी हुई है, कोई आपने ड्रा की हुई अपना फ्लो चार्ट है, आपकी डायग्राम्स हैं कोई भी, एक हम इधर ड्रा कर लेते हैं, इस तरह ये वाली कर लेते हैं। ठीक है, इसको कलर फिल कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके नीचे है ये, ठीक है, दूसरी इधर है, इनका कलर भी डिफरेंट कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि सही इसका यूज़ जो है वो आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, ये हमारे पास थ्री डिफरेंट शेप्स, इधर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, सपोज करें स्टेप वन इसको कह दें। ठीक है, इसका कलर वाइट कर देते हैं। आपने कोई इस तरह फ्लो डायग्राम आपकी है शेप, ठीक है, फ्लो चार्ट बने होते हैं इस तरह के ना, या कोई आप प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं तो उसमें आपने इस तरह की चीज़ें डिफाइन की होती हैं। ठीक है, इसकी स्टेजेज जो हैं डिफाइन की होती है, या किसी कंपनी की आपने वो डायग्राम होती है, उसको क्या कहते हैं, होलोग्राम शायद, ठीक है, वो की होती है, उसमें इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो आपने देखा होगा। जिस तरह या अब बात करें, हम कर रहे थे स्टार्ट में इंफोग्राफिक्स की, वो चीज़ें बनी होती हैं, तो वो आप कनेक्टेड होती हैं। हाँ जी, फ्लो फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो शीट डायग्राम। हाँ, फ्लो शीट डायग्राम क्या होगा जी? ठीक है, इसको स्टेप थ्री कर देते हैं। सही, अब इनको कनेक्ट करना है, तो जो कनेक्टर आपके टूल्स हैं वो इनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं डिफरेंट वे से। सबसे पहले हम वन बाय वन चलते हैं, स्ट्रेट लाइन कनेक्टर लेते हैं, ये मैंने सेलेक्ट किया।
तो आप लेके आए जिस पॉइंट को भी कनेक्ट करना है, सपोज मैं यहाँ से इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाले को करना है, ठीक है। एक बार इसको छोड़ के दोबारा कर सकते हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, सर ये प्रोसेस कनेक्ट हो नजर नहीं जाएगा, आ रहा है स्क्रीन ठीक है। स्टार्ट पे। ठीक है, ये कनेक्टर से अभी दोबारा से मैं लगा लेता हूँ, दोबारा लगाने लगा हूँ। स्ट्रेट लाइन कनेक्टर मैंने सेलेक्ट किया है इधर से, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं जिसको जिसके साथ आपने कनेक्ट करना है, जहाँ से आपने करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन पाथ को फॉलो करते हुए, पाथ के ऊपर रहते हुए आप करेंगे इसके। अगर मिड से करना चाहें आप या कहीं और से करना चाहें वो नहीं कर सकते। सपोज मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ स्टेप वन को टू के साथ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट को करना चाह रहा हूँ, एक बार इसको छोड़ दें, ठीक है, दोबारा करें आप सेलेक्ट, और फर्स्ट वाले को थ्री के साथ भी कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी कोई शेप जो है एक और आ गई है, उसको आपने करना है कनेक्ट, ठीक है। ये आप सेलेक्ट करें, ठीक है। इधर स्टेप फोर आपका आ गया, ठीक है। इधर स्टेप फोर लिख लेते हैं, फोर आ गया। इसको भी कनेक्ट करना है आपने थ्री के साथ या वन के साथ ही करना है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। इधर कर लेते हैं, ये मैं पॉइंट लेता हूँ, फोर को वन के साथ करना है या थ्री को फोर के साथ करना है या जिसको भी आपने कनेक्ट करना है वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह इनको आपने ज्वाइन करवाना है वो करवा सकते हैं आप ज्वाइन, ठीक है, जैसे जिसको भी जिसके साथ कनेक्ट करवाना है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे ये सिंपल लाइंस हैं तो ये इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये लाइन एंड हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कनेक्टर जो है एक बार आपने कनेक्ट कर दिया जिस पॉइंट को तो वो उधर ही आप करें। आप सपोज करें आप ये स्टेप वन को जो है आप कहीं पे भी लेके जाना चाह रहे हैं, मैं इसको ग्रुप कर दूँ ताकि ये ठीक है, ठीक है। ये मैं इसको सपोज करें लेके जाना चाह रहा हूँ स्टेप वन को, जस्ट स्टेप वन को मैं किसी और जगह पे ड्रैग करवाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें जो इसके कनेक्टर हैं वो कनेक्ट ही रहे हैं बिल्कुल। अगर इसको इधर करता हूँ लेफ्ट राइट तो पॉइंट्स वहीं पे रहेंगे। इसी तरह इसको नीचे वाली को करता हूँ साइड के ऊपर तो ये जिससे आपने कनेक्ट किया हुआ है ये वहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसको मूव करवा सकते हैं आप, इसको मूव करवा लें, इसको नीचे ले आएं, ठीक है, इधर ले जाएं, जो पॉइंट आपने दे दिया वो वहाँ पे कनेक्ट रहेगा। जो हमने ऊपर टेक्स्ट लिखा था वो नीचे चला गया है, इट्स ओके अगर चला गया तो, ठीक है। ये आप लिख लें, इधर कर लें, जो पॉइंट आपने एक बार दे दिए वो उधर ही रहेंगे। दोबारा अपनी जगह पे लेके आते हैं तो पॉइंट्स आपके सेम रहेंगे, ठीक है। सही है, इसी तरह ये वाला है, ठीक है। ये लाइंस आपकी, इनको आप कर सकते हैं स्ट्रेट जैसे भी करना है, ठीक है। तो ये लाइन कनेक्टर था, स्ट्रेट लाइन कनेक्टर, ठीक है। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल, सॉरी, इसके बाद राइट एंगल कनेक्टर है, उसका यूज़ क्या है, उसके लिए एक विंडो ले लेते हैं अलग से, नई विंडो पे कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? यस सर क्लियर, यस सर क्लियर है। हाँ, उसके बाद नीचे वाला राइट एंगल कनेक्टर वो देखते हैं उसका यूज क्या है। जी जी जी
ठीक है, राइट एंगल कनेक्टर के लिए अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टर टूल भी कर रहे हैं, राइट एंगल कनेक्टर ठीक है, ये भी उधर पड़ा हुआ है, इसके लिए आप कोई सी भी शेप्स ले लें, ड्रा कर लें इधर से, सपोज मैं इधर से पॉलीगॉन ले लेता हूँ कोई, ठीक है ये इसको ये शेप ले लेता हूँ मैं वन, ठीक है उसके बाद एक और इधर मूव करवा लेते हैं, इसको कलर कर देते हैं कोई वन, टू और ये थ्री, ठीक है ये हमने तीन शेप्स ली हैं, थ्री डिफरेंट शेप्स ठीक है, इनको आप कनेक्ट करवाते हैं, इनका कलर भी डिफरेंट कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है इसको राइट एंगल कनेक्टर है ये, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, राइट एंगल कनेक्टर सेलेक्ट करते हैं, ये दूसरे नंबर वाला राइट एंगल कनेक्टर, इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो जहाँ से जिसके साथ आपने कनेक्ट करना है इसको एक बार क्लिक करें पॉइंट के ऊपर और इसको ड्रैग करें, ठीक है ये मैंने ड्रैग किया तो ये यहाँ पे आके पॉइंट हो गया, कनेक्ट हो गया इसके साथ, ठीक है इसी तरह दूसरे पॉइंट को करना है, दूसरे पॉइंट को करते हैं इस तरह, इसके साथ कर देते हैं कनेक्ट सिंपल, ठीक है इसी तरह आपने इसको नीचे लेके जाना है, आगे मूव करवाना है, आपकी ये शेप पड़ी हुई है ठीक है, ये एक और आपकी शेप आ गई है, या कोई डिसीजन वाली आपकी आ गई है, स्टेज स्टेजेस होती हैं जिस तरह प्रोजेक्ट के अंदर, ये उसी तरह ये मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो थोड़ा सा नीचे लें, ठीक है राइट एंगल कनेक्टर सेलेक्ट करें, इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, इजीली कर सकता हूँ सिंपल, इसको इसके साथ करना चाह रहा हूँ, आप कर सकते हैं कनेक्ट, ठीक है इनको आप मूव करवा सकते हैं, ये देखें लाइन ऊपर नीचे हो गई है तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं, आप इसको सिलेक्ट करें, शेप टूल में जाएं, ये वही वाला पहले वाला शेप टूल, और इसको ड्रैग करके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है ये आप इस तरह इनको मूव करवा सकते हैं, सही है तो ये कनेक्टर का है, इस तरह जितनी भी आपकी शेप्स आती जाएं तो आप उनको कनेक्ट करवा सकते हैं इजीली, ठीक है ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, ये है राइट एंगल कनेक्टर, ठीक है बाकी इसकी सेटिंग उसी तरह, आप लाइंस को ये देखें, लाइंस की थिकनेस कंट्रोल करनी है या उनका स्टाइल चेंज करना है जैसे हम पहले करते हैं, ये इधर पड़ी है हमारे पास चीज़ें, ठीक है ये देखें लाइन को थिक करना चाह रहे हैं आप इधर से थिक कर सकते हैं, कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं आप इसका, ठीक है कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है इसको थिक करना चाह रहे हैं बिल्कुल उसी तरह, इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है बाकी ये नीचे आ जाएं आप, इसको भी थोड़ा थिक कर लेते हैं, टर्न नहीं कर देते हैं, इसका कलर जो है वो ये वाला ग्रीनिश, ठीक है इसी तरह ये है, इसको थिक करके और इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है ये जैसे भी आपकी शेप्स आती रहें, ये अगर सेंटर में नहीं है तो इसको सेंटर सेंटर में कर लें आप, अब हो गया कनेक्ट, ठीक है इधर ही सही है, ठीक है ये आपने राइट एंगल से किया है, बाकी वही आप कोई एरो हेड इधर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या इसकी लाइन की डेकोरेशन कोई करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं जैसे हम पहले करते आए हैं, ठीक है ये सारी इधर पड़ी हुई हैं, इसको कोई एरो देना चाह रहे हैं नीचे की जानेब ऊपर की जानेब वो आप दे सकते हैं, नीचे देना चाह रहे हैं ये हो गया, इसके बाद इसको करना चाह रहे हैं कि एरो लगाना चाह रहे हैं वो आप लगा सकते हैं, इसकी कोई डेकोरेशन करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं लाइन की, इसी तरह ये नीचे वाली ले लें राइट एंगल कनेक्टर, नीचे वाली ले लें इसको कोई एरो लगा लें,
नीचे की जानब लगेगा, ठीक है। इसको लगाना चाह रहे हैं, पहले लगा हुआ है, एक ही काफ़ी है। लाइन का स्टाइल बिल्कुल उसी तरह और ये भी उसी तरह, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स है, ये भी आप कर सकते हैं जिस तरह भी आप कनेक्ट करना चाहें, सही है। ये क्लियर है सबको, राइट एंगल कनेक्टर? यस सर, क्लियर है। अच्छा, ये क्लियर है तो इसकी एक और एक दो और सेटिंग्स है, लेकिन अभी उनकी तो ज़रूरत नहीं है हमें। ये राउंडेड एंगल्स हैं, ये नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये क्लियर है तो आगे चलें, राइट एंगल कनेक्टर। जी सर, मूव करेंगे। किसी का भी क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। इसके बाद थर्ड है हमारे पास, ये रहा नीचे, राउंडेड कॉर्नर, राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर, ठीक है। इधर इसको लिख भी लेते हैं, राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर। ठीक है, अराउंड राइट एंगल स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास था राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर, ये भी बिल्कुल उसी तरह। ये आपकी कोई शेप इधर ड्रा है, रिक्टेंगल से मैं कर लेता हूँ या कोई और ले लेता हूँ, ठीक है। रिक्टेंगल ही ले लें, ये क्विक का थोड़ी सी रिक्टेंगल ही है एक, ठीक है। इसके बाद एक और रिक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है। ये तीन शेप्स ली हैं, इसके नीचे कोई लगाना चाह रहे हैं आप? इनको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इधर कोई ठीक है। ये हाँ जी, उसके लिए यूज़ होता है कोई भी शेप जो आपने कनेक्ट करनी हो, ठीक है। फ्लो चार्ट, डायग्राम, इस तरह की चीज़ें जो आप ड्रा करते हैं उनमें ये यूज़ होता है ज़्यादा, ठीक है। ये इस तरह की शेप आ गई, ये डिसीजन मेकिंग स्टेज होती है जो सेकंड वाली है। इसके बाद थर्ड का कलर चेंज कर लें, इसका कर लें, ठीक है, कलरफुल कर लेते हैं। और इसी तरह नीचे है कवर लगा लेते हैं, पेस्ट किए और नीचे ले लेते हैं सीधा, इस तरह की शेप है, ठीक है। तो आप इधर से सिलेक्ट करेंगे अपना कनेक्टर जो राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर है, ये मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं साइड पे, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट किया है ना एंगल, ये राउंडेड है, आपको शायद ये इधर राउंड छोटा करे। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी तरह इसके बाद आपने करना है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला कनेक्ट किया, ये ज़्यादा ही करीब था इसलिए ये छोटा बन गया इधर, तो इट्स ओके है। इसका डिसीजन आपने इधर से लेना कोई, ठीक है।
इसका इधर से लेना है भाई वो आप उसमें। और इसमें डिफरेंस क्या है जो पहले हमने पढ़ा है, राइट एंगल कनेक्टर वो बिल्कुल जो है ना एजिस बन रहे थे उसके, कॉर्नर बन रहे थे, ये भी उससे मिलता जुलता है। ये इसके कॉर्नर जो है वो राउंडेड हैं, एंगल इसके राउंडेड हैं सारे, तो ये थोड़ा सा चेंज है इसकी सेटिंग। इसी तरह ये नीचे जाना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा दूर करते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, ये मैंने एंगल सेलेक्ट किया। जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो साथ ही इसके जो नोड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इधर ले आते हैं। तो ये अगर आप देखें जो लास्ट वाला अभी ड्रा किया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। ये इसके जो कॉर्नर्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल राउंडेड है। ठीक है, इसी तरह ये ऊपर वाला अगर आप देखें, इसके कॉर्नर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये राउंडेड हैं। ठीक है, राउंडेड कॉर्नर इसको इसीलिए कहते हैं, राउंडेड कॉर्नर, राउंडेड कॉर्नर एंगल कनेक्टर। ठीक है, इसी तरह ये ज़्यादा ही करीब था इसलिए बिल्कुल पास से ही स्टार्ट हो गया इसका राउंड। ठीक है, इसी तरह ये है, इसको आप ठीक करना चाह रहे हैं इधर से ऊपर से आके ठीक कर सकते हैं। ये रह गया, इसको भी कर लें। ठीक है, तो ये आपने इस तरह की कोई सी भी आप डायग्राम देखें, कोई फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम, ठीक है, तो वो इस तरह कंप्लीट होती हैं, वो कनेक्टेड होती हैं। तो आप ये डिफरेंट आपको एंगल दिए हुए हैं, आप इनको यूज़ करते हुए वो कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी इनकी सेटिंग बिल्कुल उसी तरह, आप ये लें फर्स्ट वाला, इसको थिक थिन कैसे करना है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आई है, नहीं ये एंगल इसका आ गया साथ, ये 71 लिखा हुआ है, इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं कम करूँ 60, ठीक है, ये इसका जो राउंड है वो कम हो जाएगा, राउंडेड जो है। ठीक है, इसको और ज़्यादा कम करते हैं, 20 करके देखते हैं। ठीक है, ये इसी के लिए, लेकिन अभी नहीं हो रहा। ये इसकी सेटिंग है, कॉर्नर को जो है आपने कितना राउंड करना है। ठीक है, तो बाकी इसकी सेटिंग उसी तरह सारी, कि आपने कोई इसके ऊपर लाइन की स्टाइलिंग करनी है या कोई ऐड करना है एंगल इस साइड पे या दूसरी साइड पे, वो आप कर सकते हैं ऐड। ठीक है, ये नीचे वाला अगर देखें, ये भी उसी तरह, कोई आपने चीज़ ऐड करनी है इधर, कोई एरो हेड लगाना है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी उसी तरह। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा दोबारा कहाँ से निकाला है, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर गया था, अभी दोबारा कनेक्ट हुआ है। वेट करें आप। अच्छा, तो ये इस तरह आप इनका यूज़ कर सकते हैं, राउंडेड एंगल कनेक्टर का। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर देखा था, राइट एंगल कनेक्टर। तो स्टार्ट में हमारे पास स्ट्रेट लाइन कनेक्टर था, उसके बाद राइट एंगल, और अभी राउंडेड एंगल कनेक्टर है। ठीक है, तो ये हमने वन बाय वन देखे, और इनकी सेटिंग्स भी उसी तरह की है, सबकी तकरीबन सेम है सेटिंग सबकी। इसको मैं करूँ सेलेक्ट, ठीक है, ये क्लियर है सबको, राउंडेड। यस सर, क्लियर है। ठीक यस है, सर। सेम है। अच्छा, तो इसी तरह इनको आप साइड पे लेके जाएं, ड्रैग करें, तो ये इसके साथ कनेक्टेड ही रहेगा। ठीक है, आपकी लाइंस कनेक्टेड ही रहेंगी। इनको थोड़ा इधर आप मूव करवा लें तो उसी तरह ये इनके कनेक्टर जो हैं वो भी मूव कर जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई नई आप डायग्राम, नई शेप ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लें, ये कनेक्टेड ही रहेंगे, ऊपर कर लें कनेक्टेड रहेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए तो ये कनेक्टेड ही रहेगा। इस तरह ये आपकी शेप कंप्लीट हो जाएगी, आपकी डायग्राम जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं जिस तरह भी आप करना चाहें। ठीक है, तो ये था एंगल्स का, कनेक्टर्स का, स्ट्रेट लाइन, राइट और राउंडेड। उसके बाद अच्छा, नहीं, आपने क्वेश्चन ही पूछा कि अगर इधर मिड से इनको कनेक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे,
देखिए मैं लेके आऊंगा ना ये मिड से, अगर करना चाहूँ अरे किसी भी को इसको पकड़ के, तो ये मिड से मुझे स्टार्ट नहीं करना यार, था। ये हम इसके जो कॉर्नर्स हैं नोट लगे हुए हैं सिर्फ उनसे कर सकते हैं। ये देखें अगर इसको मैं करना चाहूँ इसके साथ। सर ये मैं पूछ रहा था आपसे कि ये कैसे नोट्स के अलावा नहीं कर सकते ये? पूछा नहीं फिर? पूछा अब आपने रिप्लाई नहीं किया शायद, आवाज में गई हो। मैंने पूछा कि सर ये नोट्स के अलावा नहीं किसी जगह से कर सकते? हाँ जी कर सकते हैं सर। वो कैसे कर सकते सर? ये भाई जिसने बातें जो कर रहा है वो कांडी अपना माइक म्यूट कर लिया कर रहा है। ये फर्स्ट क्लास से ऐसे कह रहा है, आपको डेली कहना ही पड़ता है। यस सर, ये वाले का पता चल गया है, वो पहले वाले दोनों नहीं पता चले। मेरा नेट में कोई प्रॉब्लम आ गया था, बिल्कुल ही बंद हो गया था, अभी दोबारा कनेक्ट हुआ है। पहले वाले हमने देखे हैं, ये इधर ही पड़ा हुआ है नेटवर्क। स्ट्रेट लाइन था फर्स्ट, उसके बाद राइट एंगल, उसके बाद जी राउंडेड राइट एंगल। सर ये राउंडेड राइट एंगल तो देख के पिक्चर मुझे इसका समझ आ गया है, ये स्ट्रेट लाइन का बता दें थोड़ा सा। लाइन का बिल्कुल इसी तरह, ये बिल्कुल सीधा चलता है स्ट्रेट में। आप किसी पॉइंट को कनेक्ट करना हो, ये देखें इसको जी, इसको हम ड्रा करते हैं, इस वाले को कर लेते हैं ड्रा करना है इसके साथ। बिल्कुल स्ट्रेट आप मूव कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी सेटिंग सारी जो है बिल्कुल उसी तरह जो हमने पहले देखी है। ऊपर इसके लगे हुए हैं, थिकनेस इसकी ज़्यादा करनी है कम करनी है, इसको एरोज हेड लगाने हैं वो आप लगा सकते हो, ठीक है, ये सारी सेटिंग इसकी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था ये वाला राइट एंगल कनेक्टर, सेकंड अप वाला राइट एंगल कनेक्टर। ये जैसे हम जाते हैं तो कनेक्ट करना है इसको करना, ठीक है। तो सर राउंड वाला भी तो ऐसा ही था, जो राउंड राइट एंगल कनेक्टर था वो भी तो इसी तरह से कनेक्ट हुआ हुआ है जी। दोनों मिलते जुलते ही हैं, उसके जो ये एजेस कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं राउंडेड। बिल्कुल सेम है, मिलता जुलता ही है ये जी। इसकी एक सेटिंग जो है काम नहीं कर रही ना, कि इसको राउंड करना चाहिए इधर पे अगर वैल्यू दें। सर ये तो राइट एंगल कनेक्टर है ना? हाँ जी राइट एंगल है ये, इसको वैल्यू चेंज कर तो सकते हैं। ये भी राउंड बन जाता है अगर इसकी वैल्यू, ये देखें दूसरे में काम नहीं था कर रहा, इसकी वैल्यू इधर से चेंज कर दें तो ये राउंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आपने देख लिया वो किस तरह करना जी, वो राउंडेड, वो ऑटोमेटिकली है ही राउंडेड। लेकिन सर ये राउंडेड वाले में भी तो कॉर्नर बना हुआ है जो पिंक के साथ टच हुआ है, ये वाला, ये जी ये वाला जी, ये राउंडेड है लेकिन इसकी वैल्यू कम। अगर इसको इधर से जीरो कर दें तो फिर ये स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक अभी स्ट्रेट हुआ। इसकी वैल्यू इधर से करते हैं 50 कर देते हैं तो ये राउंड हो जाएगा, ये देख। लेकिन वो राइट एंगल कनेक्टर और राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर दोनों एक जैसे ही तकरीबन हो गए हैं। हाँ तकरीबन मिलते जुलते हैं, फंक्शन एक जैसा ही है इनका। हाँ जी कनेक्टर है बेसिकली, ये है एक ही कनेक्टर, आगे उसकी इन्होंने अलग अलग से पिन टाइप्स लिखी हुई है, ठीक है, जैसे भी इसको यूज करना चाहे। अभी आप ऐसा करें सब लोग इसकी ट्राई करें एक बार 10 मिनट में, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। सब लोग आ गए वापस? यस सर, यस सर। अच्छा पहले हमने पढ़ा, अभी बताया जैसे एक बार फिर से करते हैं। पॉलीगॉन ही लेता हूँ जी, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। ये दो पॉलीगॉन्स हैं ले रहा हूँ, 1 2, इसको कॉपी पेस्ट किया। तो अभी हमने जितने भी 3 कनेक्टर यूज़ किए हैं वो देखते हैं कि ये
ये आपकी शेप से फर्स्ट वाला कनेक्टर यूज़ किया था, तो आप सिर्फ उसी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे मतलब आपका पाथ है, लाइन है या नोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह अगर सेकंड वाला देखें, राइट वाला आप जाएंगे तो ये भी आपको सिर्फ नोड्स के ऊपर या जो आपका पाथ है उसके ऊपर ही रखेगा आपको। इसी तरह जो थर्ड वाला है वो करें आप, वो भी ऐसे ही आपको वहाँ पे लेके जाएगा जहाँ पे आपका पाथ बना है। ठीक है, ये देखें आप इसको ड्रैग करके, अगर जहाँ पे पाथ बना सिर्फ वहाँ पे लेके जाएगा। ठीक है, तो अगर हम चाह रहे हैं कि इसके सेंटर से इसको दोनों को कनेक्ट करना है बिल्कुल सेंटर से, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, इसको साइड पे करते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है, तो मैं इन नोड से नहीं कर सकता कनेक्ट इन पॉइंट से। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें एंकर एडिटिंग टूल है नीचे इसके, ठीक है, वो दिया हुआ है। मैं यही शेप लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको कोई कलर कर लेते हैं। ठीक है, एक कॉपी पेस्ट। अब ये दो शेप्स हैं हमारे पास। ठीक है, इनको हमने सेंटर से बिल्कुल कनेक्ट करना है। ठीक है, दोनों को वो कैसे करेंगे, ये पॉइंट एंकर एडिटिंग ये सिलेक्ट किया, एक पॉइंट आपने लगाना है जिस तरह एंकर पॉइंट लगाते थे ना, ये भी इसी तरह। ठीक है, ये डबल क्लिक करेंगे जहाँ पे आपने कनेक्ट करना है इसको। जी मैंने सेंटर में लगा दिया इसके पॉइंट, एक इधर आके इसके सेंटर में लगा दिया डबल क्लिक करके। ठीक है, तो अभी हम अपना वही वाला टूल यूज़ करें जो स्ट्रेट लाइन है। तो ये देखें, जब हम स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ये सेंटर वाला जो हमने पॉइंट लगाए हैं दोनों के, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको किसी के साथ भी अटैच कर दें। ठीक है, अपने पास के साथ या किसी भी नोड के साथ, तो आप इजीली कर सकते हैं। हमने जो पॉइंट लगाया नया सेंटर वाला उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये कनेक्टेड हो जाएगा। दो बार हो गया सिलेक्ट। ठीक है, क्या हो गया? दोबारा करते हैं। यहाँ से हमने कनेक्ट करना है सेंटर के साथ, पॉइंट ही मिस हो गया। इसको डिलीट कर एंकर दोबारा ऐड करता हूँ इसमें। ठीक है, इसका पहले लगा हुआ है। अब ये स्ट्रेट लाइन करते हैं। स्ट्रेट लाइन किया, चलो ठीक है। तो ये आप देखें, इस तरह आप सेंटर से भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर थोड़ा सा कर दें आप ठीक, इसी तरह सेंटर से किसी दूसरे पॉइंट पे आप करना चाह रहे हैं, ये मैं दूसरे वाला लेता हूँ, राइट एंगल सेंटर पे आप जाएं। ठीक है, ये नीचे करना चाह रहे हैं कनेक्ट, लास्ट पे लेके आना चाह रहे हैं, तो आप इधर से कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसी तरह नीचे वाला अगर हम देखें जो राउंडेड राइट है, इसको करना चाह रहे हैं कनेक्ट, ये आप ले लें जहाँ पे भी आप जाना चाहें, सेंटर से जहाँ पे मूव करना चाहें, अपने माउस को इधर उधर करें तो ये आपको सेंटर पे मूव करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे करना चाह रहे हैं कनेक्ट, सेंटर के साथ करना चाह रहे हैं, ये ऊपर करना चाह रहे हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई और शेप देख लें। ये आपने दो रेक्टेंगल्स लिए हैं सिंपल, ये दो आपने रेक्टेंगल लिए हैं एक, फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लें। इनको सेंटर से करना चाह रहे हैं, अभी हम सेंटर से नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास नोड ऐड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए वही एंकर एडिटिंग डबल क्लिक करें, सेंटर में ये लग गया पॉइंट, उसके बाद इधर आए डबल क्लिक करें, सेंटर में पॉइंट लग गया। उसके बाद आप स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर लें या राइट एंगल कर लें, राउंड राउंडेड राइट है वो कर लें, वो आपको काम करने लगेगा। अभी मैं ये पॉइंट के ऊपर लेके आऊँगा।
ठीक है, यहाँ से देखें आप, आपको बता रहा है, डायरेक्शन भी दे रहा है कि आप अभी सेंटर से जहाँ मर्जी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सेंटर में पॉइंट लगा लिया और दोनों कनेक्टेड हैं। इसको थोड़ा सा ठीक करके देख लेते हैं और ये लेफ्ट से राइट बता देते हैं। तो अभी दोनों कनेक्टेड हैं, इनको जहाँ मर्जी आप मूव करवा लें। दोनों को एक साथ करवाना चाह रहे हैं या इधर ले के आना चाह रहे हैं, ऊपर ले के जाना चाह रहे हैं, तो ये आपके कनेक्टेड ही रहेंगे। ठीक है, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, ये आपके पांच कनेक्टेड ही रहेंगे। ठीक है, इनको नीचे ले आते हैं, इधर इधर। तो ये आप इस तरह इसको यूज़ करते हुए अपना जो एंकर है वो ऐड कर सकते हैं। एंकर एडिटिंग मतलब एंकर पॉइंट्स एडिटिंग, वो आप कर सकते हैं। सही है, तो इसका ये यूज़ था। आपने किसी भी जगह से किसी और जगह पे आपने अगर पॉइंट लगाना है, ठीक है, इसी तरह इधर लगा लें। ठीक है, अब ये मैंने पॉइंट लगाया लेफ्ट टॉप लेफ्ट के ऊपर। ठीक है, तो अभी यहाँ से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, इधर आएँ, इस जगह पे आप पहुँचेंगे तो ये आपको पॉइंट बता देगा। ठीक है, साथ ही आपका जो स्ट्रेट लाइन कनेक्टर है वो शो हो जाएगा। आप इधर से पकड़ें, इसको इधर कर लें, मिड में कर लें, जहाँ भी आप कनेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसको बाकी सेटिंग वही है इसकी, लाइन की थिकनेस, एरोज, लाइन डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें वही हैं, तो आप इधर से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह ये वाला पॉइंट ले लें, एक और ऐड कर लेते हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए। एक पॉइंट मैंने इधर लगाया ये न्यू वाला। उसके बाद आप अपना ये राइट एंगल कनेक्टर ले लें। ठीक है, इसको ऊपर वाली शेप के साथ मिला दें किसी भी जगह, तो ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ये कनेक्टेड ही रहेंगे जो अभी हमने ऐड किया है। ठीक है, इधर कर लें, लेफ्ट कर लें, राइट कर लें, इसी तरह इसको चेंज करना है। वो आपको बताया पहले भी कि ये जो आपने लगा दिया एक बार कनेक्टर, इसको चेंज कैसे करना है, इसको मूव कैसे करवाना है। वो आप शेप टूल में जा रहे, इसको आप ड्रैग कर लें, अब यही करने दे रहे हैं। वो आप इस तरह कर सकते हैं, इसको ड्रैग जैसे भी करना हो। सही है, शेप टूल में जा कर इसको पकड़ें और ड्रैग करवा दें जहाँ पर भी आप करवाना चाह रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया सबको, नोड जो है, एंकर जो है वो कैसे ऐड करना है। कनेक्टेड टूल्स हम पढ़ रहे थे, तो पहले हमने देखा था कि जहाँ पे सिर्फ हमारे नोड या पाथ बना हुआ है, सिर्फ हम उन्हीं को कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी दो डायग्राम जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये फर्स्ट वाली सेकंड वाली, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कर सकते हैं जहाँ पे आपके एंकर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आपके नोड्स लगे हुए हैं। तो किसी का क्वेश्चन भी था कि अगर अपनी मर्जी से कहीं से हमने करवाना हो तो वो कैसे करवाना है, वो हमने फिर देखा कि एक एंकर एडिटिंग है, मतलब एंकर पॉइंट्स जो हैं उनको एडिट करना है या फिर नया ऐड करना है, वो लगा के तो हम उनको जहाँ पे आपका एंकर लग जाए वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं कनेक्टर जो है, तो उसको किसी भी पार्ट के साथ आप लगा सकते हैं जहाँ पे एंकर पहले से लगा हो। ये अभी हमने करके भी देखा, तो इस तरह है, किसी भी जगह पे आप एंकर ऐड करें और उसको कनेक्ट करवा दें जहाँ भी आप करवाना चाह रहे हैं। लाइन को तीनों कनेक्टर वहाँ पे वर्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन, राइट एंगल और राउंडेड एंगल। ठीक है, तो ये कनेक्टर थे, सिंपल कनेक्टर पहले देखे, फिर अपनी मर्जी से एंकर पॉइंट ऐड करके जहाँ पे हम इसको मूव करवाना चाह रहे थे वो देखा कैसे करवाना है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? एंकर एडिटिंग क्लियर है सबको कनेक्टेड टूल्स के अंदर? Yes, sir. हमारे पास ये टूल है इधर, एक थ्री पॉइंट रिक्टेंगल, ठीक है, मैं इधर लिख भी देता है, थ्री पॉइंट रिक्टेंगल।
थ्री पॉइंट रेक्टेंगल टूल है ये, किधर पड़ा हुआ है ये रेक्टेंगल? हमें बड़ी ड्रा की है, बहुत ज्यादा इसका यूज किया, इसके नीचे पड़ा हुआ है थ्री पॉइंट रेक्टेंगल। अच्छा ये क्यों यूज करना है, पहले तो ये बता देता हूँ कि ऊपर वाले रेक्टेंगल देखें आप, जो सिंपल है वो आपने सिंपल इस तरह ड्रा करते थे, ठीक है, या आपको इस तरह हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, जैसे भी चाहिए, ठीक है। आपने इसको किसी एंगल के ऊपर यूज करना है, तो इधर या तो इसको रोटेट करवाना पड़ता है, ठीक है, इधर से आके, या फिर इधर इसका एंगल या कोई सा भी करना पड़ता है, जिधर भी आपने इसको यूज करना है, ठीक है। इसी तरह ये है, आगे वाले इसको किसी आपने रोटेशन में यूज करना है तो आपको खुद से इसको रोटेट करवाना पड़ना है, या इधर इसकी कोई वैल्यू देनी पड़नी है, ठीक है, कोई सी भी वैल्यू इसकी दे दें, 180 दे दें, 90 दे दें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हम इस तरह करते थे कि सिंपल रेक्टेंगल ही उसको किसी एंगल के ऊपर मूव करना है, रोटेट करवाना है, तो वो खुद आके करते थे, या तो माउस से, या फिर इसको कोई ना कोई हमें एंगल देना पड़ता था, ठीक है। तो अभी जो नीचे वाली है थ्री पॉइंट रेक्टेंगल, उसका यूज़ देखते हैं, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। थ्री पॉइंट रेक्टेंगल क्या है, आपको एक्सेस देता है कि आप किसी भी एंगल के ऊपर इसको ड्रा करें, किसी भी एंगल के ऊपर आप इसको ड्रा करते हैं, इसको सपोज करें कि आपको इधर चाहिए रेक्टेंगल इस लाइन में, ये देखें आपने, इसने आपको ये ड्रा करके दे दी, ठीक है। इसी तरह किसी और पॉइंट के ऊपर चाहिए, इधर से इधर चाहिए, तो आप इधर से इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कलर कर लें, आपको स्ट्रेट चाहिए, स्ट्रेट चाहिए बिल्कुल, तो आप इधर से स्ट्रेट भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर ड्रा करना चाहें, ये हॉरिजॉन्टल कर लिया, वर्टिकल करना चाहें आप एक स्ट्रेट आए बिल्कुल इस तरह सीधी लाइन, और ये यहाँ से स्ट्रेट ड्रा कर लें, ठीक है। इसी तरह कोई और डिफरेंट एक से ज़्यादा आप यूज़ करना चाह रहे हैं, ट्राई एंगल सपोज करें कि यहाँ से आप आए हैं, ये यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इधर को आना चाह रहे हैं, ये यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई भी मतलब कि आप किसी भी एंगल के ऊपर आपने ड्रा करनी है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, या किसी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर, तो वो आप इसको यूज़ करते हुए, थ्री पॉइंट रेक्टेंगल को यूज़ करते हुए आप इजीली ड्रा कर सकते हैं। अगर कोई और देखें, इस तरह इनके नीचे मैं बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इनको दोनों को मिला के, ठीक है, ये यूज़ करना चाह रहा हूँ, ये भी यूज कर सकता हूँ, चलिए। तो ये है थ्री पॉइंट रेक्टेंगल, मीन्स के दोनों में डिफरेंस क्या है, एक सिंपल है रेक्टेंगल कि आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक जो इसकी है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, सिर्फ उसकी आपको एक्सेस देता है कि उधर आप इसको ड्रा कर सकते हैं। अगर ये इसी तरह किसी एंगल के ऊपर आप करना चाहें तो इससे नहीं कर सकते, ठीक है, वो ज़रा डिफिकल्ट होगी आपके लिए। सिंपल वाली का बता रहा हूँ कि आप इसी एंगल के ऊपर आना चाहें तो आप ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह ये थ्री पॉइंट का देखा कि इससे आप किसी भी जो आपको एंगल चाहिए रोटेशन में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल थे, ये डिफरेंट दोनों रोटेशन एंगल पे थे, ये देखें इसके ऊपर क्लिक करें तो साथ में ही ऊपर आपको ये इसका जो रोटेटिंग एंगल है, एंगल ऑफ रोटेशन, वो भी नज़र आ रहा है कि ये 361 पे है, ये 228 पे है, ठीक है, ये वर्टिकल है बिल्कुल सीधा 90 के ऊपर, और ये 18 ये 360 के ऊपर, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करते हुए अपनी मर्जी से किसी भी एंगल के ऊपर ये रेक्टेंगल आप ड्रा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
सही है, ये इसका यूज़ है, सिंपल सा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये दोनों का कंपैरिजन भी हो गया, सिंपल रेक्टेंगल यहाँ पे, ये वाली का कलर भी चेंज कर लेते हैं, ये वाली सिंपल थी, उसके बाद ये थ्री पॉइंट रेक्टेंगल हैं जितनी भी आगे ड्रा की हुई है। सही है, तो इनको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कोई इसको खुद से आपने एंगल देना हो तो यहाँ से दे लें आप, ठीक है। इसी तरह बाकी सेटिंग बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दूसरी रिक्टेंगल की थी, ये ऊपर दी हुई है आपको कि आपने कोई मूव करवाना है इसके, राउंड कॉर्नर करने हैं, राउंडेड कॉर्नर करने हैं, सारे करने हैं या एक करना, वो आप इधर से वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। उसी तरह ये आगे स्केलप कॉर्नर था, स्केलप टूल, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे चैम्फर्ड कॉर्नर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई आपने थिकनेस इसकी ज़्यादा करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह इसके कलर चेंज करने हैं आपने, वो कर सकते हैं। बाकी सेटिंग वही है इस तरह सिंपल रेक्टेंगल्स की थी या सिंपल टूल्स की थी। तो ये इसका यूज़ ये है कि आप किसी भी एंगल के ऊपर इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक। बाकी ये इसके ऊपर वाली सेटिंग वही है जिस तरह हम पहले यूज़ करते रहे हैं, ठीक है। ये इसके राउंडेड कॉर्नर्स के लिए, ये रोटेशन के लिए, और बाकी सारा कुछ ऐसे ही। ये इसकी हाइट विड्थ है, ठीक है, बिल्कुल वही जिस तरह पहले यूज़ करते रहे हैं, ठीक है। 0-0 मैंने कर दिए। बाकी इसका वही है और इसमें कुछ नहीं है। जिस तरह ये रेक्टेंगल का है इसी तरह थ्री पॉइंट एलिप्स भी है एक टूल, मतलब मैं इसके रिकॉर्डिंग लगा दूँ, स्क्रीन शेयर ही है सबके साथ? यस सर, शेयर है। ओके, जिस तरह हमने देखा थ्री पॉइंट रिक्टेंगल, इसी तरह थ्री पॉइंट एलिप्स भी है हमारे पास, ठीक है। उसका यूज़ क्या है, ये देखें, एक सिंपल आपके पास एलिप्स था, वो आपने सर्कल ड्रा करना है, तो आप बिल्कुल इस तरह सीधा सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। ये देखें, ऐसे आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐसे मूव करवाएं या जैसे करवाएं तो आप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, सर्कल को। तो बाकी आपने वही रेक्टेंगल की तरह किसी डिफरेंट आपने इसको करवाना है, मूव करवाना है, वो कैसे करवाना था आपको, इधर से इसकी जो है एंगल सेट करना पड़ता है या फिर आपको जो है रोटेशन करवाना पड़ती है, ठीक है। ये सिंपल एलिप्स था। तो इसी तरह अगर दूसरा देखें, इसको मैं साइड पर कर रहा हूँ, ये सिंपल एलिप्स था। थ्री पॉइंट एलिप्स देखें तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा फंक्शनैलिटी होगी। थ्री पॉइंट एलिप्स वो क्या है, आप उसी तरह बिल्कुल किसी भी एंगल के ऊपर इसको ड्रा कर सकते हैं। सिंपल क्या था, सिंपल आप सिर्फ एक पॉइंट से जो है ना आपको स्टार्ट करना अलाउ करता है, ठीक है। इस तरह दूसरा आप करना चाहें, थ्री पॉइंट एलिप्स लें, उसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, और देखें किसी भी एंगल के ऊपर आपको ड्रा करना अलाउ करेगा। मैंने इधर से इसको ड्रा करना, जैसे भी ड्राइंग करना चाहूँ, कोई इसको स्फेरिकल बनाना चाहूँ, एंगल पूरा बनाना चाहूँ सर्कल को, ये देखें, ठीक है। इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे तो नहीं, लेफ्ट राइट हम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इसको छोड़ रहा हूँ, किसी भी एंगल से मैंने स्टार्ट किया, ऊपर बता भी रहा कि ये अभी 360 पे आपने इसको ड्रा किया, ठीक है। इसी तरह कोई और ड्रा करना चाहूँ मैं इधर से, सपोज करें ड्राइंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इतना लेना चाह रहा हूँ इसको, तो ये यहाँ पे ड्रा कर देगा, ठीक है। इसमें कलर कर देते हैं, ये पहले वाला इसको साइड पे कर देते हैं। इसी तरह कोई और ड्रा करते हैं इसके ऊपर से ही, ठीक है, ऐसे ड्रा करना चाह रहे हैं कुछ,
वो आप कर लेंगे ठीक है। किधर से स्टार्ट करना चाहिए, नीचे से, नीचे से आप कर सकते हैं, नीचे से करना चाहें, ऊपर से करना चाहें, जहाँ से भी आप स्टार्ट करें ये ड्रा कर देगा आपको सर्कल, जिस तरह रेक्टेंगल था बिल्कुल उसी तरह इसका यूज है। ये मैं इधर से एक और लेता हूँ लाइन ड्रा की, और ये मैंने इस तरह की चीज़ ड्रा की ठीक है, तो कलर भी चेंज कर देता हूँ। सही है, ये आपको ऊपर बता भी रहा है कि 299 अभी इसका लगा हुआ है रोटेशन एंगल जो ठीक है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया। सही है, इसी तरह कोई और लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें, इधर को जाना चाहें, ये देखें हॉरिजॉन्टली इसको ड्रा किया, जितना भी आपको चाहिए वो आप ड्रा कर सकते हैं। इस तरह की कोई शेप चाहिए ठीक है, ये पूरा सर्कल चाहिए, फुल सर्कल चाहिए वो आप इधर से ड्रा कर सकते हैं, या इस तरह का चाहिए, वर्टिकली चाहिए वो आप ड्रा कर लें ठीक है, इस तरह का चाहिए इसको ड्रा करें। बाकी सेटिंग इसके ऊपर वही, ये हाफ सर्कल ठीक है, उसके बाद ये इसकी आउटलाइन आर्क जो है, ये फुल सर्कल, ये हाफ सर्कल ठीक है, फुल करके इसकी बाकी सेटिंग वही जैसे हमने देखी थी, बड़ा स्मॉल हो गया ठीक है। इसका थिकनेस ज़्यादा करनी है बॉर्डर की, आउटलाइन की, स्ट्रोक की, वो वही सेटिंग सारी ठीक है। इसकी हाइट, वेट बिल्कुल उसी तरह ठीक है, और ये रोटेशन ऊपर दी हुई है आपको, 130 पे करना चाह रहा हूँ, 29 पे करना चाह रहा हूँ। ये कलरिंग, ये बॉर्डर का कलर ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं ठीक है। ये सारी इसकी सेटिंग्स, ये आर्ट बोर्ड के हिसाब से इसको मूव करवाना आगे पीछे या इधर आर्ट बोर्ड की, ये इसकी है डायरेक्शन, इसको फिर इधर ही लेके आ रहा हूँ। ये हाइट विड्थ हो गई और ये एंगल्स हो गए, बाकी सेटिंग वही है जैसे पहले हम देखते आए हैं। तो ये इसका यूज़ है, कन्वर्ट टू कर्व्स अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ठीक है। तो ये यूज़ था दोनों का, 3 पॉइंट रिक्टेंगल का और 3 पॉइंट एलिप्स का, दोनों का डिफरेंस भी यही है। एलिप्स सिंपल जो है सिर्फ आपको एक सर्कल ड्रा करके दे रहा था, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एक स्पेसिफिक शेप में ठीक है। तो इसके अगर अपोजिशन में देखें, 3 पॉइंट एलिप्स देखा, वो किसी भी हम एंगल से स्टार्ट कर लें, किसी भी जगह से स्टार्ट कर लें, तो वो हमें सर्कल ड्रा करके दे रहा था, एक लाइन ड्रा करते थे, और जिधर को भी हमें सर्कल की डायरेक्शन चाहिए वो हम ईजिली मूव करवा सकते हैं ठीक है। ये डिफरेंट सर्कल भी हमने ड्रा किए और देखा, ये यूज़ था इसका 3 पॉइंट एलिप्स का। तो ये क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। कोरल ड्रा का जब भी आपने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसको मतलब डिफरेंट पेजेस हों उसके अंदर, मतलब हर एक पेज के ऊपर आपका आर्टबोर्ड होगा डिफरेंट, तो आपका प्रोजेक्ट एक ही रहेगा लेकिन उसमें आपके पेजेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे, अलग होंगे, मतलब हर एक पे आपने डिफरेंट ड्राइंग की हुई है, डिफरेंट ड्राइंग करना चाह रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले कंट्रोल एन या न्यू फाइल, उसी तरह इधर कोई मल्टीपल पेजेस, ठीक है। ये इसका नाम रख लिया, इसके विड्थ हाइट वही है ठीक है, इसका जो भी आपने लेने हैं इंचीज में लेनी है इसको, मीटर्स में या पिक्सल्स में, जैसे भी आप सिलेक्ट करना चाहें, फीट में, यार्ड में, तो मैं इसको पिक्सल में ले रहा हूँ
ठीक है, इसकी सेटिंग विड्थ हाइट ये रखी हुई है 90-20-10-80 यही ले लेते हैं। उसके बाद आर्ट बोर्ड जो है वो आपका होना चाहिए पोर्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल है, लैंडस्केप है, वो इसकी सेटिंग ये पड़ी हुई है। उसके बाद नीचे नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस हमने उस दिन लिए थे 6-8, आपकी डिफरेंट असाइनमेंट थी लेकिन आपका डॉक्यूमेंट जो है प्रोजेक्ट जो है वो एक ही था, ठीक है, वो इधर 8 कर लिया हमने। रेजोल्यूशन इसकी 72-96 जो भी आप करना चाहें, 72 पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी ये कलर सेटिंग, डिस्क्रिप्शन, ये एडवांस सेटिंग है, इसको नहीं हम शेयर्ड है अभी, ठीक है, ये ओके करें इसको। ये देखें ये हमारे पास ओपन हो गया डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेजेस प्रोजेक्ट, और इसके पेजेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जितने भी आपने लिए हुए इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको सेव कैसे करना था, इधर कोई चीज़ ड्रा कर लेते हैं, फर्स्ट वाले पे ये रख लेते हैं, सेकंड वाले पे ये होगी, फर्स्ट वाला किधर, फर्स्ट वाला ये है, अच्छा ये 3 है 4 है, कुछ भी आप ड्रा कर दें, इसी तरह 5 के ऊपर ये कर लें, 6 के ऊपर भी कुछ ड्रा कर लें, इसी तरह 7 और ये लास्ट वाला। अच्छा दूसरा आपने देखा कि साइज हमने एक का चेंज किया है, वो उसको जूम आउट किया है तो सारे एक साथ में ही हो गए हैं जूम आउट, ठीक है। तो ये इसका इधर कुछ और ड्रा कर लेते हैं, पॉलीगॉन ये कर लें। तो अभी इसको सेव कैसे करना है, बिल्कुल उसी तरह फाइल सेव, सेव एज, ठीक है, हम सेव एज करते हैं। सेव एज किया, कोरल ड्रा में करना चाह रहे हैं, कोरल ड्रा टेम्पलेट डो पोर्ट्रेट पीडीएफ में करना चाह रहे हैं। एआई इलस्ट्रेटर की फाइल भी इधर से आप गेट कर सकते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर का लिखा हुआ है। ये फॉर्मेट सारे आपको दिए हुए हैं जिसमें भी आप सेव करना चाहें, एसवीजी भी दिया हुआ है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स जिस तरह इलस्ट्रेटर में बनते थे। तो अभी पीडीएफ में हमने करना था, पीडीएफ में सेव करेंगे, ये है मल्टीपल पेज प्रोजेक्ट, इसको सेव किया, काफ़ी सारे पेजेस हैं इसलिए थोड़ा स्लो भी हो जाएगा आपका भी, ठीक है। इसके बाद ये करंट डॉक्यूमेंट है, ये पूछ रहा है कि अभी एक पेज ही करना है जो करंट वाला है, मतलब करंट डॉक्यूमेंट करना है, करंट पेजेस करने हैं, मतलब करंट पेज करना है, करंट डॉक्यूमेंट में कंप्लीट आ जाएंगे, या इधर आपने कोई पेजेस की रेंज देनी है कि 1-8 कर ले, 1-9 कर ले, 1-7 कर ले, जितनी भी रेंज आप देंगे वो इधर आ जाएगा। करंट डॉक्यूमेंट करेंगे तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट, करंट पेजेस करंट पेज, और पेजेस की इधर आपने कोई नंबरिंग देनी है कि 5-7 चाहिए, 5-9 चाहिए, 1-9 चाहिए, जो कल वो आप इधर दे देंगे। बाकी ऊपर सेटिंग कलर्स की डॉक्यूमेंट्स की तो भी हम जनरल का देख रहे हैं, इसी में रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर से या करंट डॉक्यूमेंट कर लें या पेजेस कर लें सारे, ठीक है। मैं अभी करंट डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, सारे के सारे पेजेस चाहिए, इसको ओके करें तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करके देखते हैं, ठीक है। ये पड़ा हुआ पीडीएफ, तो ये आप ओपन करेंगे तो आपके पास सारा पीडीएफ का एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये स्लो हो गया,
ये इधर हो गया अपन इसमें एक्सप्लोरर में। ठीक है आपका सारा जो पूरा पेज है वो आपका इधर आ गया। ठीक है शेयर है ये वाली पीडीएफ वाली फाइल? नो सर। नो सर स्टक हुई है स्क्रीन। अभी शेयर है? जी सर। यस डॉक्यूमेंट जो आपने अभी डॉक्यूमेंट सेव किया उसमें 9 पेजेस हैं 1 to 9 तो सारे के सारे सेव हो गए। ये आपके नीचे ड्राइंग है सारी अलग अलग जो आपने की है। ठीक है तो इस तरह आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है उस दिन कुछ लोगों ने अलग अलग से सेव किया फिर उनको कंबाइन किया फिर पीडीएफ में कन्वर्ट किया और फिर सेंड किया। तो इस तरह आप इजीली जो है ना जितने भी पेजेस हैं आपके उनको एक में सेव कर सकते हैं। इसी तरह कोरल ड्रा में सेव कर सकते हैं पीडीएफ में या कोई और फॉर्मेट में। ठीक है ये क्लियर है सबको? ये तो आप इसको पाथ के ऊपर लिखें। ठीक है इधर से भी लिख सकते हैं आप कर वो ऊपर चला गया कर टेक्स्ट साइज बड़ा कर लेते हैं छोटा सा ही हो गया ये। अब इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही होता है कि आप इसको एक पाथ दे दें पहले। ठीक है ये टेक्स्ट मैं इधर ही रख रहा हूँ या इधर से आके हमने किया था एक इफेक्ट टेक्स्ट में होगा ये भी पाथ नहीं दे रहा इसका ना। तो इधर आप एक पहले ड्रा चीज फ्री एंड टूल से या कोई सा भी इधर पाथ ड्रा कर लें। ठीक है तो उस पाथ के ऊपर आप ये टेक्स्ट जो है मूव करवा दें। अभी सपोज करें कि हम 3 पॉइंट का भी ले लेते हैं। फ्री एंड टूल से कर लेते हैं। ठीक है इस तरह की कोई आप शेप ड्रा करके। ठीक है टेक्स्ट में जाएं टेक्स्ट टू पाथ और इधर लिख लें कुछ भी कर टेक्स्ट इसका साइज कम ज़्यादा है जैसे भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हो जाता है इसके ऊपर अगर नहीं ये नहीं होगा डायरेक्टली तो आपको अलग से ना इसको भी देनी पड़ेगी पाथ देना पड़ेगा। उसके बाद में डिलीट कर दें जो आपने शेप ली हुई है उसको अलग करके बाद में डिलीट कर दें। इसके ऊपर करना है तो वो होगा आपका इसको बना लें आपने इसके ऊपर करना है तो यहाँ पे आप कर सेंटर में भी आप कर सकते हैं सेंटर में शॉर्टल्ड हो जाएगा। सेंटर में भी लिखा जाता है वही बेस्ट इसका सलूशन यही है कि इसको पहले पाथ दे दें जिधर को आपने मूव करवाना। ठीक है तो आप सेंटर में लिख सकते हैं यही इसको एक बार आप कॉपी पेस्ट कर लें इसी को। ठीक है ये टैक्स ऊपर वाला खत्म कर दें। ये नीचे वाला आ गया इसको अलग करके डिलीट कर दें पूरा डिलीट हो जाए। इस तरह भी आप कर सकते हैं सर ये ज्यादा अच्छा लग रहा है।
ये आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें जो पार्ट बनाना है, वो जो आपने पहले बैनर लिया ना डायरेक्टली राइट नहीं करने देता, तो उसको पहले करना पड़ता है इसको कन्वर्ट टू कर्व्स कंट्रोल क्यू, जिस तरह किसी भी शेप को करते थे पहले, ठीक है। तो उसी शेप के अंदर आपने लिखना है, उसको कॉपी पेस्ट कर लें और उसके ऊपर टेक्स्ट लिख के, जब टेक्स्ट लिखा जाए इसकी सेटिंग वगैरह अच्छे से करके, ये अभी आप इधर करेंगे पाथ इसका डिलीट हो गया, तो अभी ये जो है ना पाथ के ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर देखें पहले ये पाथ था हमारे ऊपर हमारे पास, तो टेक्स्ट को हम कर रहे थे छोटा बड़ा या इसके ऊपर जैसे भी करना चाह रहे थे, तो वो इजीली मूव हो रहा था, ठीक है। जब ये हो जाए आपका सारा काम, उसके बाद फिर ये इधर जाएँ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट टू कर्व्स दोबारा कर देंगे, कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और इसके बाद डिलीट कर दें इसको, ठीक है। इस तरह भी ये और भी इसके डिफरेंट वेज होंगे, और ट्राई करना जैसे भी ईजी लगे आपको।